हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बस दिखाऊंगा आपको कि एक्सरे कैसे करा जाए। यह हमारा सॉफ्टवेयर है, फ्यूजी कंपनी का हमारा एक्सरे लगा हुआ है यहाँ पर। यह हमारा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, ये 0172 है, तो हम 3 की एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे या नाम डालेंगे। सर का नाम है हमारे शकील, 38 वाई मेल। यहाँ पर सेक्स को हम कर लेंगे मेल सेलेक्ट, एक आराम ने। यहाँ से हम उठाएंगे चेस्ट एक्सरे फ्रंट पी ए व्यू, ये डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से एंट्री ओपन हो जाती है। अभी ये कह रहा है कि इंसर्ट करने के लिए, तो ये हमारा सी आर सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है हमारा पूरा। तो ये हमारा सी आर सिस्टम है फ्यूजी कंपनी का। तो हम देखेंगे कि एक्सरे इसमें कैसे रीड कराया जाए। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी प्लेट लगा दी है इस तरह से। अब हम सर को यहाँ खड़ा करेंगे। सर आ जाइए, बटन नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये सर को खड़ा कर दिया। देखिए अभी ये काफ़ी हाइट पे है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये थोड़ा हाइट पे था, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, ताकि सर का पूरा चिन इस पे लग जाए। इस तरह से खड़ा होना है और ऐसे हाथ करके नीचे की तरफ रखना होता है, तो मैं सर को एडजस्ट कराता हूँ। आइए सर, खड़े हुई है। ये जैसे देखिए चिन पूरा हो रहा है, लग चुका है। इसको पूरा सटा के रखिए। हाथों को थोड़ा बम पे रखना होता है दोनों को, और हाथों को इस तरह से रखिए बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारी चेस्ट एक्सरे की पोजीशन होती है। ये हमारा ट्यूब है एक्सरे की, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। इसको भी हाइट पे करना होगा सर के हिसाब से। आप देख सकते हैं मैंने ट्यूब को एडजस्ट कर दिया, सर बिल्कुल पोजिशन में खड़े हुए हैं एक्सरे के लिए। अभी हम एक्सरे करेंगे। तो ये हमारा पैनल है यहाँ पर एक्सरे का, इसको हम ऑन करेंगे। ये ऑन कर दिया हमने, ये 25 पे है, इसको 20 कर देंगे। ये 65 kV है, हम 65 रहने देते हैं, ठीक रहेगा। तो अभी हमें एक्सरे करना है। ये हमारा बटन होता है, इसको हमें स्टैंड बाय पे दबा के रखना होता है। अभी हमें बोलना है एक लंबी सांस लेकर रोकने के लिए, तो मैं आवाज़ मारूंगा, सर को सांस रोकनी होगी एक लंबी सी, उसके बाद हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज का बटन है। सर एक लंबी सांस लो, रोक के रखो। ये हमारा एक्सरे हो गया है, ये मैंने प्रेस करा था बटन, हो गया है। इसको मैंने बंद कर दिया। ये कैसेट लूँगा, हमने कैसेट ले लिया है, इसको हम रीड कराएंगे। ये देखिए, ये मेरी कैसेट है, इसको मैं रीड कराऊंगा। ये ऐसे बिल्कुल सटा के मुझे इसको इंसर्ट करा देना होता है। ये कैसेट अभी मेरी रीड हो रही है, कैसेट हमारी रीड हो रही है। अभी यहाँ पर पूरी फिल्म आ जाएगी। चेस्ट का एक्सरे करना काफ़ी ईजी है, बस पोजिशन हमें पता होनी चाहिए, कितना kV देना होता है, कितना MA देना होता है, ये थोड़ी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये देखिए एक्सरे की इमेज आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए हमारा एक्सरे हो गया है, ये इस तरह चाहिए। इसको रोटेट कर देते हैं, ये 180 डिग्री है, उल्टा है, तो इसको सीधा कर देते हैं। ये सीधा हो गया है। हमें FCR इमेज प्रोसेसिंग में जाके इसको थोड़ा सा इसका कलर सेट करना होता है। ये FCR इमेज प्रोसेसिंग है, इसमें जाके मुझे सेट करना होगा। ये मैंने करा, इसके मुझे थोड़ा सा इसको शार्पनेस देनी होगी। शार्पनेस मैंने इतनी कर दी है, देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये सेव हो गया है। ये मेरा एक्सरे आ गया है यहाँ पर। ये हमारा जो शेडो आ रही है, ये हमारी हार्ट की शेडो आ रही है, देख सकते हैं। ये मेरा शेडो है, हार्ट है, ये रिब केज है, लंग्स हैं पूरे पूरे। ये हमारा चेस्ट का एक्सरे हो गया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे राइट लेफ्ट लगाना होता है इसके अंदर। ये आ गया है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। राइट लेफ्ट लगाने के लिए यहाँ स्टैम्प बनी हुई है, स्टैम्प से उठाएंगे हम। यहाँ पर एक्सरे में जाएंगे, राइट को लेंगे, ये राइट साइड हमने यहाँ उठाया, ड्रैग करा इसे, ये राइट आ गया। इसका मुझे साइज़ बढ़ाना होगा, ये फॉन्ट है यहाँ पर, यहाँ से मेरा साइज़ बढ़ जाएगा। ये ठीक है, तो देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रीव्यू कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा चेस्ट एक्सरे प्रिंट होने के लिए रेडी है। इसको मैं किसी को फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर सेव एज JPG का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं JPG सेव कर सकता हूँ। प्रिंट देना है मुझे, प्रिंट दे सकता हूँ, डायरेक्ट प्रिंटर पर प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।